आज डॉक्टर्स की टीम ने किया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम। मुख्तार के विसरा को सुरक्षित किया गया। मुख्तार का बेटा उमर मौजूद था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की तैयारी। कालीबाग कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत। बांदा जिला जेल में पड़ा था दिल का दौरा। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पूरे राज्य में धारा 144 लगाई गई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने पिता की धीमी जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। न्यायिक जांच की मांग की। मुख्तार के बड़े भाई सिबगुलतला अंसारी बोले, मुख्तार ने कोर्ट को पहले ही दी थी जानकारी। मारने की साजिश करने का अंदेशा जताया था। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे कृष्णानंद राय की फैमिली। अलका राय और बेटे पीयूष राय ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की। मुख्तार की मौत पर बोली कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, भगवान ने आज हमें दिया न्याय। हमें आज तक नहीं मनाई कभी होली, आज हमारी होली है। बनारस में बोले कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय, मुझे और मेरी माँ को मिला बाबा विश्वनाथ और बाबा गोरक्षनाथ का आशीर्वाद। मुख्तार की मौत पर बोले रिटायर्ड डीएसपी शैलेंद्र सिंह, 2004 में कृष्णानंद की हत्या के लिए एलएमजी खरीद रहा था मुख्तार। 1 करोड़ रुपए में हुआ था सौदा। शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने बरामद की थी एलएमजी। मुख्तार पर लगाया था पोटा। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने पोटा हटाने का बनाया था दबाव। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर लोगों की भारी भीड़। प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस को भी किया तैनात। पुलिस ने लोगों से की अपने अपने घर जाने की अपील। मुख्तार अंसारी के भतीजे शुएब अंसारी ने भी लोगों से अपने घर जाने की अपील की। सीएम योगी ने डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ की बैठक। सीएम योगी ने पुलिस को दिए 7 निर्देश, माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटें। मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती का पोस्ट लिखा, परिवार के गंभीर आरोप को माना जाए और हाई लेवल जांच हो जिससे मौत के सही तथ्य सामने आए। जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव बोले, सरकार मनमाने ढंग से एक मजहब के लोगों को मार रही है। सीबीआई या न्यायिक जांच से कोई फायदा नहीं। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, मुख्तार की जिस तरीके से मौत हुई वो शक के घेरे में, इसकी होनी चाहिए जांच। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव का विवादित ट्वीट, लिखा मुख्तार अंसारी की मौत सांस्थानिक हत्या। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। सुरेंद्र राजपूत ने कहा, मुख्तार की मौत की हाईकोर्ट के जज से जांच हो। सुरेंद्र राजपूत ने यूपी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा प्रदेश में है जंगल राज, देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालत का। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, मुख्तार के परिवार की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। मुख्तार की मौत पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, मुख्तार की मौत को प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाए समाजवादी पार्टी वरना चुनाव में होगा नुकसान। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर जताया दुख, लिखा ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव की पोस्ट, सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में यूपी, ये कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। मुख्तार की मौत पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, यूपी में मौत और हत्या का मिट गया फर्क, ये फर्क मिट जाने पर होती अराजकता। यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले, किसी की मौत पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, फॉरेंसिक रिपोर्ट तो किया जा सकता है विश्वास। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत को बताया अफसोसजनक, लिखा जहर दिए जाने के आरोप के बावजूद सरकार ने उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया। सुनीता केजरीवाल का बयान, कहा केजरीवाल ने जो कोर्ट में बोला उसके लिए हिम्मत चाहिए, केजरीवाल ने भ्रष्ट और तानाशाही ताकत को ललकारा है। सुनीता केजरीवाल ने शुरू किया केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान, व्हाट्सएप नंबर जारी किया, लोगों से समर्थन करने की अपील की। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, ईडी केजरीवाल के कुछ समय पुराने फोन का मांग रही है पासवर्ड, बीजेपी जाना चाह रही है, ईडी गठबंधन की चुनावी रणनीति क्या है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, शराब घोटाले की ईडी जांच से ही शुरू हुआ घोटाला, जांच के बहाने चला वसूली रैकेट, दिल्ली में सरकार हथियाने की कोशिश। कांग्रेस को आईटी विभाग का 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस, साल 2017 से 2021 के बीच का जुर्माना, ब्याज शामिल। मुंबई के उद्धव गुट के नेता अमोल कार्तिकर को ईडी का दूसरा समन, 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया, बीएमसी खिचड़ी घोटाले में होगी पूछताछ। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान, आरजेडी 26 सीट, कांग्रेस 9 सीट, लेफ्ट पार्टियां 5 सीटों से लड़ेंगी चुनाव। चमोली की थराली में सीएम धामी ने किया रोड शो, गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूरी भी साथ थे। पीएम मोदी की पोस्ट, लिखा शाम 5 बजे तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं से संवाद, एनाथू बूथ वली मैयाना बूथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को अपने आवास पर उनके साथ मुलाकात की, बैठक में आई और G20 जैसे अहम विषयों पर चर्चा। बिल गेट्स ने मोदी के नेतृत्व की तारीफ की, कहा भारत की मेजबानी कहीं अधिक समावेशी हुआ G20, ग्लोबल साउथ में सहयोग का बढ़ा विश्वास। भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन पर बोले पीएम मोदी, मैंने डिजिटल तकनीकी को प्रजातांत्रिक बनाया, इस पर किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा। बिल गेट्स के साथ हेल्थ पर बोले पीएम मोदी, मैंने 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांवों में बनाए, हेल्थ सेंटर्स को डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा। एजुकेशन पर बोले पीएम मोदी, शिक्षक की जो कमियां हैं उन्हें तकनीकी से करेंगे दूर, बच्चों के लिए दृश्य और कहानी के माध्यम से दी जाएगी शिक्षा।
पीएम मोदी बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका अहम, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में मेरे हिंदी भाषण को तमिल में किया गया था अनुवाद। पीएम मोदी बोले एआई को एक और मैजिक टूल और आलसीपन के लिए ना करें उपयोग, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने पर आई के साथ बोलता है एआई। पीएम मोदी बोले मैं महिलाओं के हाथ में सौंप रहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाएं तुरंत अपनाती है नई तकनीकी, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की। कोरोना से लड़ाई पर बोले पीएम मोदी पहले दिन से ही मैंने देश की जनता से सीधे की बातचीत, इससे कोरोना से लड़ाई बन गई जन आंदोलन। मोदी ने बिल गेट्स से स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी जिक्र किया, कहा इसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाने में लगी हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों की मिट्टी। बिल गेट्स ने पीएम मोदी को कुछ न्यूट्रिशन बुक भी गिफ्ट किए, वहीं पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल गिफ्ट हैम्पर्स दिए। बिल गेट्स ने पीएम मोदी की पोस्ट को किया रीपोस्ट, चर्चा करने का दिया धन्यवाद, लिखा भारत में कृषि शिक्षा स्वास्थ्य में डिजिटल नवाचार से प्रगति हुई। राहुल गांधी ने महिलाओं को रोजगार पर पूछे सवाल, लिखा देश में 3 में से सिर्फ 1 महिला के पास रोजगार, 10 में से केवल 1 महिला के पास नौकरी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, कंगना पर की फूलों की बारिश। थिरुवल्लूर के पेनोरी में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का रोड शो, कैंपेन के दौरान लोगों को किया संबोधित। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी से मिली बीआरएस एमपी के केशव राव, जुबली हिल्स में सीएम आवास पर मुलाकात हुई। बेंगलुरु में बीजेपी जेडीएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, दोनों दलों के वोट ट्रांसफर करने पर चर्चा, बनाई गई रणनीति। मदुरई में एआईएडीएमके का सांसदीय चुनाव ऑफिस का उद्घाटन, पार्टी महासचिव और पूर्व सीएम पलानी सामी ने की शुरुआत। गुजरात के ओखा में कोस्ट गार्ड की हेवोक्राफ्ट मेंटेनेंस यूनिट का उद्घाटन, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ कोस्ट गार्ड डीजी राकेश पाल मौजूद थे। धार में बोधशाला का एएसआई सर्वे का काम जारी, एएसआई टीम 22 मार्च से लगातार कर रही सर्वे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। असम के 4 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ा अस्फा, तिनसुकिया डिब्रूगढ़ चराईदेव शिवसागर में 1 अप्रैल से होगी प्रभावी। पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम, अमृतसर में बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, डोके गांव के पास खेत से ड्रोन बरामद। तेलंगाना के रंगारेड्डी में शमशाबाद में एक स्क्रैप गोदाम में आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमें। जम्मू कश्मीर के रामबन में हादसा, जम्मू कश्मीर हाईवे पर गहरी खाई में गिरी यात्री टैक्सी, पुलिस के साथ एसडीआरएफ सिविल क्यूआरटी टीम मौके पर मौजूद। चेन्नई में एक क्लब का फॉल सीलिंग गिरने से 3 लोगों की मौत, मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौजूद। मरने वाले 3 शख्स क्लब के मेंबर हैं, पुलिस की टीम हादसे की जांच में लगी। हैदराबाद के आसिफ नगर में पार्किंग में लगी आग, भारी संख्या में गाड़ियों को नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू, आग से किसी के जान को नुकसान नहीं, कई बाइक जलकर खाक हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की टीम ने 25 लाख रुपए कैश बरामद किए, चेकिंग के दौरान कार से मिले रुपए। पुलिस कैश ले जा रहे लोगों से कर रही है पूछताछ, वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से जब्त किया गया कैश। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 50,000 तक रुपए ले जाने की इजाजत, उससे अधिक रुपए ले जाने पर दिखाना होगा कागजात। राजस्थान के राजसमंद में 71,80,000 रुपए बरामद, पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया बरामद, रुपयों को बस ले जा रहा था शख्स। पुलिस की पूछताछ में शख्स ने नहीं दी कोई जानकारी, पुलिस ने रुपयों की जानकारी आयकर विभाग को दी, रुपए ले जा रहे शख्स के पास नहीं मिला कोई कागजात। यूपी के मथुरा में शख्स की जलने से मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, पुलिस केस दर्ज कर जांच में लगी। परिवार वालों ने जलाकर मारने का आरोप लगाया, नाराज परिवार वालों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया, पुलिस के समझाने के बाद लोगों ने हाईवे को किया खाली, घंटों ट्रैफिक बाधित। यूपी के बहराइच से नेपाली महिला तस्कर अरेस्ट, पुलिस ने महिला के पास से 7 किलो हशीश बरामद की। गुड फ्राइडे पर पीएम मोदी की पोस्ट, ईसा मसीह के गैन बलिदान को याद किया, लिखा ये हमें करुणा और क्षमा का पाठ सिखाता है। तिरुवनंतपुरम के पलायम में गुड फ्राइडे के मौके पर जुलूस, सेंट जोसेफ कैथेड्रल क्रॉस जुलूस में लोगों ने लिया हिस्सा। गोवा में धूमधाम से मनाया गया शिग महोत्सव, निकाली गई झांकियां, सीएम प्रमोद सावंत शामिल, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल के हमलावरों को यूक्रेन ने पैसों से की थी मदद, रूसी जांच कमेटी का दावा। रूसी जांच एजेंसी ने मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार करने का दावा किया, अब तक 11 संदिग्ध अरेस्ट। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले में मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी, अब तक 143 लोगों की मौत है। इसराइल ने हमास के सीनियर नेता रायद तहबत को मार गिराने का दावा किया, काशिफा अस्पताल में कार्रवाई के दौरान मारा गया। अमेरिका ने इसराइल को गजा में जंग के लिए नहीं दिया हर तरह के जरूरी हथियार, अमेरिकी जनरल ने दी जानकारी। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल पर किया रॉकेट अटैक, लेबनन की सीमा से इसराइली शहरों पर दागे रॉकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनावी फंडराइजर के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे, बाइडेन के साथ पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मौजूद थे। बाइडेन और ओबामा के साथ पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी फंडराइजर में होंगे शामिल, करीब $2.5 करोड़ चंदा जमा होने की खबर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक बूथ में लगी आग, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग, घायल शख्स को हेलीकॉप्टर से मदद कर अस्पताल पहुंचाया गया। अमेरिका के बाल्टी मोर ब्रिज
को फिर से बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। मैरीलैंड प्रशासन इस सरकार ने शुरुआती काम के लिए 6 करोड़ डॉलर की मांग की। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल बस हादसे के वीडियो आए सामने। एक ट्रक के सामने से गलत लेन में आने से पलटी थी बस। 22 मार्च को हुए बस हादसे में एक बच्चे की हुई थी मौत। बस में सवार थे 40 स्कूली बच्चे। दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोप में भयानक बस हादसा। हादसे में बस में सवार 45 लोगों की मौत हुई थी। ब्रिज से नीचे 50 मीटर गहरी खाई में गिरी बस में धमाके के बाद आग। एक 8 साल का बच्चा बचाया गया। इक्वाडो की जेल हुए हिंसक दंगे में 2 कैदियों की मौत जबकि 4 कैदी पूरी तरह से जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 गैंग के बीच जेल में हुई झड़प। कैदियों ने जेल में की आगजनी। पश्चिमी अमेरिका में भारी बारिश बर्फबारी की आशंका। पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही है बर्फबारी। पर्वतीय इलाकों में आए सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। गाड़ियों की आवाजाही में हो रही हैं दिक्कतें। मदागास्कर में चक्रवाती तूफान और बारिश का कहर। कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर। चक्रवाती तूफान की चपेट में आकर हजारों मकान हुए तबाह। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी टक्कर। बेंगलुरु में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। राजस्थान रॉयल्स में प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर केशव महाराज आए। प्रसिद्ध कृष्णा ने मांसपेशियों के दर्द से निपटने के लिए कराई है सर्जरी। सूर्य कुमार यादव की रिकवरी पर आया बड़ा अपडेट। सर्जरी से उबरने में अभी लगेगा और वक्त। आईपीएल के कुछ और मुकाबलों से रहना पड़ सकता है बाहर।